हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको क्लास 9th से लेके प्लस 2 क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे पढ़ के तीन चीज़ों की मैं गारंटी देता हूँ आपको। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग, कि आप जो भी चीज़ मेरे चैनल पे पढ़ लोगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नंबर टू, आपको यहाँ पे फन बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, आपको हंसी मजाक, आप बोर नहीं होंगे पढ़ने में, आपका पढ़ने में मन करने लग जाएगा। नंबर थ्री, आपके मार्क्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में आपको मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं, वो सब भी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और जिसका अच्छा कमेंट हुआ, बहुत मोटिवेशनल कमेंट हुआ, तो उसको मैं खुद अपने गारंटी देता हूँ कि मैं उसको स्टडी मटेरियल और नोट्स जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी स्टडी रिलेटेड, वो खुद मैं पर्सनली उसे हेल्प करूँगा थ्रू इंस्टाग्राम। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस का चैप्टर नंबर वन, दैट इज कि व्हाट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इस चैप्टर में मेनली आपको बिजनेस के बारे में बताया हुआ है कि बिजनेस होता क्या है, कैसे बिजनेस करते हैं, क्या चीज़ बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, वो सारा आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। तो देखो यार, जो बिजनेस वर्ड है ना, वो किस वर्ड से बना है? बिजी से, बींग बिजी। बिजनेस वर्ड ही बना है बींग बिजी, मतलब अगर आपने बिजनेस खोलना है या खोलने की सोच रहे हो तो आपको बिजी होना पड़ेगा, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। तो बिजनेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व ऑल सच एक्टिविटीज विच इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज of goods and services with an aim to earn profit। ठीक है, कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि बिजनेस में ना बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस को अगर एक ईजी लैंग्वेज में बोले जाए तो व्यापार बिजनेस क्या होता है? एक जगह से हमने सामान खरीदा सस्ते प्राइस पे और उसको दूसरी जगह जाके बेच दिया, तो हमने कहीं से खरीदा कहीं पे बेचा इस तरीके से कि हमें प्रॉफिट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए बेचने और खरीदने में। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो फर्नीचर का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, या फिर बुक्स का बिजनेस है, या फिर कोई भी टाइप का बिजनेस है, उसमें यही चीज होगी, चाहे तो वो सामान को कहीं से खरीद के बेच रहे हैं, चाहे वो उस सामान को प्रोड्यूस करके फिर सेल कर रही है कंपनी। तो बाइंग एंड सेलिंग होती है, और विद अ नेम और प्रॉफिट कमाना तो हर किसी का मकसद होता ही है बिजनेस में। नेक्स्ट आता है, हमारी दो टाइप्स की एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, ये भी बहुत ईजी से टॉपिक्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऑल सच एक्टिविटीज विच आर All such activities which are performed to earn money। ठीक है, ये सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं इसीलिए कि ताकि हम पैसा कमा सकें। ठीक है, मतलब इसमें हमारे करने का सिर्फ एक मकसद छुपा होता है कि हमें पैसे मिल जाए। चाहे आप बुक सेल कर रहे हो, चाहे आप कपड़े कर सेल कर रहे हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपका मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। चाहे वो एक जॉब है, उससे भी आपको मनी मिल रही है ना, तो जिस भी काम को करके आपको पैसा मिलेगा वो क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक स्प्रिंग रोल वाला क्या करता है, मार्केट में स्प्रिंग रोल सेल कर रहा है और उसको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे वो बैंक में जॉब कर रहा है कोई पर्सन, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अपोजिट है, वो सारी एक्टिविटी विच आर परफॉर्म नॉट टू अर्न मनी। ठीक है, जिनको हम इसलिए नहीं करते कि हमें पैसा कमाना है, फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन हम उन कामों को करते हैं कि हमें मन की संतुष्टि मिले, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, खुशी मिले उस काम को करके। जैसे डोनेशन है, डोनेशन करके पैसा थोड़ी हमें मिलता है, हमें खुशी होती है, किसी की हेल्प कर देते हैं हम फ्री में, तो वो भी हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये हम लव अफेक्शंस के लिए करते हैं। जैसे देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आपके मम्मा घर पे खाना बनाती है सबके लिए, तो उसके लिए वो पैसे थोड़ी चार्ज करते। कोई भी हाउसवाइफ है जो भी काम करते उसके लिए पैसे नहीं चार्ज करते, तो वो सारा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इसलिए कर रहे हैं, उनका प्यार है, उनकी अफेक्शंस है तुम्हारे साथ, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल आता है कि एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। पर वो सेम टीचर अगर अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हुआ। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ये क्या होता है दोनों एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है, हम आप उससे की हेल्प करके उसे रोड क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का।
मतलब सिंपल है, कोई भी ऐसा काम जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा काम जिसमें हम पैसा नहीं कमा रहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब खुद बताओ बिजनेस क्या होएगा? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस में हम पैसा कमाते ही हैं, ठीक है। तो वही सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब देखो क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स यही है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी बिजनेस है हम करते ही इसीलिए ताकि हमें पैसा मिले, हम पैसा कमाएं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आओ, सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। कि बिजनेस में हम ना हमेशा चाहे तो उस चीज़ को प्रोडक्शन, उस चीज़ को बनाएंगे खुद से, ठीक है। जैसे अमूल है, वो कंपनी बना के फिर सेल करती है, किसी से खरीद के नहीं बेच रही। या प्रोक्योर होता है कहीं से परचेज किया है गुड्स को, तो चाहे तो हम खुद का अपना सामान बना के बेचते हैं बिजनेस में, या फिर हम किसी और का सामान उठा के सस्ते प्राइस पर उसको सेल करते हैं। तो कुछ भी हो बिजनेस में, चाहे तो प्रोडक्शन होएगी गुड्स की या फिर उसको खरीदा जाएगा कहीं से। थर्ड पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर है कि सामान को बेचते भी है। बिजनेस में सेल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी सेल होएगी उतना ही हमें क्या होएगा, प्रॉफिट। तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, सामान को बेचते भी हैं। फोर्थ पॉइंट आता है डील इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली, ये पॉइंट देखो इसमें क्या है कि हम ना सामान में डील कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट को बेच और खरीद रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस होता है डेली बेसिस पे अगर हम वो काम कर रहे हैं तब हम उसे बिजनेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, MI का, उसको मैंने सेल कर दिया OLX पे जाके एक दिन, और मेरे को वहां से बेच के ना पैसे मिल गए 1,000 रुपये। अच्छा, तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं, वो बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो काम डेली थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कभी बेच दिया, अपने घर से कोई सामान उठा के बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, या एक बार मैंने कहीं से कोई चीज़ सस्ते में खरीदी और बेच ली। बिजनेस हम उसे कहते हैं जो चीज़ हम डेली कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, हम हर दिन उस काम को कर रहे हैं या हर वीक हम उस काम को कर रहे हैं, तब हम उसे बिजनेस कंसिडर करते हैं, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। ये तो नॉर्मल सबको ही पता है कि बिजनेस करता ही क्यों है बंदा, ताकि उसे पैसे मिले, फायदा हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। प्रॉफिट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेसमैन का, कि मैं कैसे क्या करूं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट तो पार्ट है हर एक बिजनेस का। अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कह सकते हो आप। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि हमें ना बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है। जैसे आप बोलोगे ना हमें बिजनेस करना है, तो पेरेंट्स कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो जो भी हम कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, जो भी हम मनी बिजनेस में लगाते हैं, उसका वापस से रिटर्न आना उसकी गारंटी नहीं होती। कि आपने मान लो 10,000 रुपये लगा के अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने कोई शॉप खोली, ठीक है, अब कोई गारंटी नहीं है वो शॉप चले या ना चले, आपके वो 1,000 रुपये जो 10,000 रुपये लगाए थे वो डूब भी सकते हैं, उसका रिटर्न आपको मिले उस 10,000 रुपये से आपको इनकम हो फर्दर, उसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब आपका रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट है 7th पॉइंट एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि रिस्क भी होता है बिजनेस करने में, रिस्क होता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि रिस्क चाहिए बिजनेस में, बहुत रिस्क बियर करता है बिजनेसमैन। तो नॉर्मल है कि बिजनेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क वाले टॉपिक में कि मेन होता क्या है सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। तो देखो बिजनेस क्या होता है आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा, अब प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्रोफेशन होता है जब भी हमें ना किसी चीज़ की बहुत ही हाई डिग्री ऑफ नॉलेज हो, जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कोई इंजीनियर हो गया या लॉयर हो गया, वो प्रोफेशनल में आते हैं जिनको हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड नॉलेज होती है। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है जॉब, जो भी बंदा जॉब करता है वो क्या होता है, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट। तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं। देखो बिजनेस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टार्ट, तो बिजनेस की शुरुआत कब होएगी, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड सम लीगल फॉर्मेलिटीज। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी एंटरप्रेन्योर, जब भी बिजनेस का जो मालिक होएगा वो डिसीजन लेगा कि हाँ मैंने बिजनेस खोलना है, तो तभी हम बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। और थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़, थोड़ी सी हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब है
प्रोफेशन में. प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? जब आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी. ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप डॉक्टर की शॉप खोल सकते हो. नहीं तो आप प्राइवेट शॉप भी नहीं खोल सकते डॉक्टर की जब तक आपके पास डिग्री नहीं है डॉक्टर की. ऐसे ही लॉयर के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है, कि डिग्री होनी चाहिए. तो जब आपको वो डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना. और जॉब कब स्टार्ट होती है? जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है. इंटरव्यू के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़, वो फॉर्म फिल करवाएंगे और आप उनके क्या बन जाओगे, फिर एम्प्लॉय. ठीक है, तो ये चीज़, ऐसे ही तीनों चीज़ स्टार्ट होती है. फिर है रिवॉर्ड. बिजनेसमैन को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, बिजनेस करने का क्या फ़ायदा होगा उसको? उसको मिलेगा प्रॉफिट, है ना. प्रोफेशन, डॉक्टर को प्रॉफिट नहीं चाहिए होता. डॉक्टर को क्या मिलती है? प्रोफेशन बंदों को हमेशा क्या मिलती है? अपनी फीस, प्रोफेशनल फीस. फीस उन्हें मिलती है. डॉक्टर अपनी फीस चार्ज करता है, लॉयर अपनी फीस चार्ज करेगा, वकील, टीचर को भी फीस मिलती है, तो प्रोफेशनल को सिर्फ फीस मिलती है. एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलती है? हाई सैलरी. इसमें हमें सैलरी बोलते हैं ना हम उसे, जो भी पैसा हमें मिलता है. ठीक है, मिलते तो सब में पैसे ही हैं. पैसे को इसमें हम प्रॉफिट का नाम दे देते हैं, इसमें फीस बोलते हैं, इसमें सैलरी. रिस्क, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क. और जो प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा लेस रिस्क है. और जॉब वाले बंदे को कोई रिस्क ही नहीं होता, नो रिस्क लिख सकते हो आप, क्योंकि उसको तो जॉब से पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, उसको अपनी सैलरी मिलेगी मिलेगी. तो बिजनेस, जॉब वालों को ये बेनिफिट होता है. अब देखो ना, जैसे कोरोना वायरस करके सारे बिजनेस भी ऑलमोस्ट बंद है, प्रोफेशनल्स भी बंद है, बट जॉब की सैलरी आएगी आएगी. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है कि बिजनेस के लिए एक पैसा चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है बिजनेस में. इसमें भी हमें लिटल रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, बट इसमें हमें बिल्कुल भी जॉब के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए. जॉब के लिए तो आपको सिंपल इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको जॉब मिल जाएगी, उसके लिए आपको खुद से पैसा थोड़ी लगाना है कुछ. ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. इसका मतलब ये है कि हम अपने चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मतलब एक बिजनेस का मालिक है, वो उसको अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपना बिजनेस उसके नाम करा सकता है. तो हाँ, करा सकता है. उसका कपड़े का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसको वो ट्रांसफ़र करके अपने बेटे के नाम करवा सकता है, ताकि उसके बाद उसका बेटा उस बिजनेस को संभाल सके, है ना. बट चीज़ अब हम प्रोफेशन में देखते हैं. प्रोफेशन में क्या ऐसा होता है कि एक डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर ही बने, उसके पास अगर सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो वो बना ही नहीं सकता उसको डॉक्टर. तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते. ऐसे ही जॉब में भी मोस्टली नहीं होता. ठीक है, बहुत ही रेयर केस है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तब उसकी जगह उसके बच्चे को जॉब मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती, वो भी किसी किसी जॉब में. ठीक है, नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिजनेसमैन को है वो नहीं करने होते. बिजनेसमैन को बोलते हैं ना अपनी मर्जी का मालिक होता है, कि उसको जो चाहे जिस टाइम चाहे अपना बिजनेस खोले, जिस टाइम चाहे बंद करे, उसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने. उसके जो मन करेगा वो कर सकता है. डॉक्टर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. ठीक है, इसमें होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे डॉक्टर को बोला जाता है कि अगर तुम अपने जो पेशेंट है उसकी जान बचा सकते हो तो आपने बचाना, ये नहीं देखना कि वो भाई बंदा तुम्हारा एनिमी है या नहीं है. ठीक है, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है. इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, इतनी ही सैलरी मिलेगी, ये नहीं करोगे तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी. तो रिस्ट्रिक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन जॉब वाले को बहुत फॉलो करने होते हैं. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. तो एग्जाम्पल आपका आएगा कोई भी शॉप, कोई भी फैक्ट्री, इसका एग्जाम्पल है बिजनेस का. इसमें आ जाएगा डॉक्टर, टीचर, लॉयर, और इसमें आ जाएगा आपका एनी पर्सन हु इज वर्किंग अंडर अदर पर्सन. जो भी दूसरे बंदे के अंडर काम करता है तो वो हम बोल देते हैं वो जॉब कर रहा है. जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको. जैसे कि आप कह सकते हो पुलिसमैन. ठीक है, पुलिसमैन भी क्या है, उसकी भी जॉब है. वो बैंक में जो पर्सन है, बैंक स्टाफ, वो सारे इसके एग्जाम्पल. जो भी किसी के अंडर काम कर रहा है वो क्या होता है, एम्प्लॉयड. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमर्स. अब भाई जब तुमने कॉमर्स ले ही लिया तो उसका मीनिंग भी पढ़ लो. कॉमर्स में आपका आता है, कॉमर्स के अंदर ना, कॉमर्स के अंदर दो मेन पार्ट में डिवाइड है कॉमर्स. एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब ये क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं. ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि तुमने एक जगह से सामान खरीदा दूसरी जगह बेच दिया. व्यापार भी बोलते हैं इसको हम हिंदी में. तो ट्रेड सिंपल होता है बाइंग एंड सेलिंग. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर देखो आपका क्या क्या आता है. ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स होती है वो सारी चीज़ें जो हमें ट्रेड के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें जो हमें ट्रेड के लिए चाहिए.
अब जैसे आप खुद देखो, आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चाहिए है ना, तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कि अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे आपको दिल्ली से सामान पूरे इंडिया में सेल करना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन देखनी पड़ेगी कि मैं कैसे अपने सामान को पूरे इंडिया तक पहुँचाऊँ, और कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए कि तुम्हारे उनसे बात भी होनी चाहिए फ़ोन के थ्रू या वेब व्हाट्सएप के थ्रू या कोई वेबसाइट के थ्रू, कि जिससे तुम उन्हें बता सको। जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है, ये क्या करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही ये तो अपना वो कर रहे हैं बिजनेस, तो इनका क्या है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पूरे इंडिया में भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और हर एक कस्टमर को कम्युनिकेट भी कर देते हैं, मैसेज पहले ही आ जाता है ना मैसेज आप तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास अगर हमें ट्रेड करना है। सेकेंड आता है बैंकिंग। अब बैंकिंग भी होने चाहिए, बैंक्स हमें चाहिए क्योंकि बैंक ही हमें लोन देंगे। अगर हमारे पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है तो हम बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए बैंकिंग भी चाहिए। थर्ड है आपका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस भी हम कई बार अपने सामान की भी इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे हम जो सामान बेचते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसकी भी इंश्योरेंस होती है, तो वो भी आप पढ़ोगे एक आपके आगे चैप्टर में आएगा इंश्योरेंस, तो वो भी हमें चाहिए। इंश्योरेंस कराने से क्या होएगा कि हमें रिस्क नहीं रहता कि अगर वो सामान रास्ते में ख़राब भी हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देगी, ठीक है। फोर्थ आता है वेयर हाउसिंग। अब ये वर्ड आपने पहले बार ही सुना होगा, वेयर हाउसिंग क्या होता है। वेयर हाउस वो होते हैं जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपना सामान, जैसे गोडाउन बोलते हैं ना हम लोकल लैंग्वेज में, वो गोडाउन को ही वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपना सामान बनने के बाद स्टोर कर सकते हैं। अब वेयर हाउस में दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे साफ सफाई ऐसी हो कि सामान खराब ना हो, चोरी ना हो, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, इसके बिना तो भाई बिजनेस चल ही नहीं सकता। एडवर्टाइजिंग तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तभी तो आप लोगों को बताओगे कि हमारा ये सामान है। आप देख लो बड़ी से बड़ी कंपनी जो भी है ना वो भी एडवर्टाइज करती है, चाहे वो टीवी में करे, न्यूज़पेपर में करे, किसी मैगजीन में करे, कहीं से भी करें। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है कस्टमर को बताने के लिए कि क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उससे तुम्हारी सेल इंक्रीज होगी। तो यार ये सब था इस चैप्टर में, बाकी जो इस चैप्टर का आगे का पार्ट है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।